मारवाड़ी में डी आप देख रहे हैं। आज 6 जुलाई 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की प्रतिपदा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कभी वेशाले की छत पर रहकर पढ़ाई करने वाले लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने उन्हें चुनाव में करारी शिकस्त दी है। लेबर पार्टी को संसद की 650 में से 410 सीटें मिली है। स्टारमर अब ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत के साथ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपट कर रोए। राहुल गांधी ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हाथरस हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फपक फपक कर रोने लगी। राहुल गांधी ने बच्ची को संभाला और गले लगाया। इस दौरान राहुल गांधी जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा, हम आपके साथ हैं। दरअसल हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई इस घटना के बाद अब बाबा पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ितों ने कहा, भगदड़ मचते ही बाबा मौके से फरार हो गया। अगर बाबा चाहता था तो वह कई लोगों की मदद कर सकता था। बहरहाल बाबा की तलाश में पुलिस की अलग अलग स्थानों पर दबिश जारी है, लेकिन बाबा कहां छुपा है अभी तक किसी को नहीं पता चला है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद जल्द ही बजट पेश होगा। खबरों की माने तो आगामी 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर सकती है। किसानों के लिए अच्छी खबर यह है, बजट से पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। आरएसएस के कुछ संगठनों का कहना है कि किसान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि अब सरकार को बढ़ा देनी चाहिए। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण जैसे आरएसएस के अनुसंगिक संगठनों ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी है। सबसे बड़ी मांग तो यह है, किसान सम्मान निधि की आय 6,000 से बढ़ाकर सालाना 10,000 से 12,000 रुपए तक करने की बात कही है। किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी के अनुसार उन्होंने सरकार के सामने 12 बड़ी मांगे रखी है, जिनमें सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की भी मांग मौजूद है। आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने 2018 में यह योजना लागू की थी, मगर तब से लेकर अब तक खेती की लागत भी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन सम्मान निधि की राशि नहीं बढ़ी है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान के किसान के लिए भी अच्छी खबर है। दक्षिण भारत में होने वाले सफेद चंदन की पौध अब राजस्थान में भी लगाई जा रही है। आपको बता दूं, यह कीमती पेड़ अपनी सुगंध के लिए तो प्रसिद्ध ही, साथ ही में इससे मूर्तियां, इत्र, दवा, ब्यूटी प्रोडक्ट समेत कई उत्पाद बनाए जाते हैं। बड़ी खबर यह है, जोधपुर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक सफेद चंदन को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च के नतीजे भी उत्साहित करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में भी सफेद चंदन की खेती की जा सकती है। संस्थान के डायरेक्टर तरुण कांत का कहना है कि किसान खेती के साथ साथ अब आने वाले दिनों में किसान खेती के साथ साथ सफेद चंदन को भी SIP में इन्वेस्ट की तरह लगा सकते हैं। अगर वैज्ञानिक राजस्थान की धरती पर सफेद चंदन की पौध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह राजस्थान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। अगर यह योजना कामयाब हो जाती है तो किसान मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि सफेद चंदन का जो तेल होता है वह 2 लाख रुपए लीटर तक बिकता है और पौध लगाने के बाद एक पेड़ 6 साल में तैयार होता है। फिलहाल जोधपुर में वैज्ञानिक सफेद चंदन को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और राहत की बात यह है, रिसर्च के शुरुआती नतीजे काफी अच्छे मिले हैं। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा अपने इस्तीफे के स्टैंड पर कायम है। नड्डा से मिलने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैंने इस्तीफा बहुत पहले ही दे दिया था, उद्गार अब हुआ है। मीणा बोले, उन्होंने मुझसे पूछा, यानी कि JP नड्डा ने मुझसे पूछा इस्तीफा क्यों दिया। मैंने कहा कि एक ही कारण है, मैंने 40-45 साल से जिस क्षेत्र में सेवाएं दी है, न दिन देखा न रात देखी, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, लोग मेरे लिए विमुख हो गए, यह चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए नैतिकता के नाते मंत्री पद छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने लोकसभा चुनाव में इसकी घोषणा भी की थी। आपको बता दूं, बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजस्थान की सियासत में भूचाल खड़ा हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में अब 12वीं पास स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए 10 जुलाई तक
ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 19 जुलाई को कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। इसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। वहीं 22 जुलाई को प्रदेश के 556 से ज्यादा सरकारी और 1850 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाई शुरू होगी। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। स्थानीय निकायों में 24,797 रिक्त पदों पर होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती में अभी और समय लगने के आसार है। दरअसल आपको बता दूं, इसकी लॉटरी निकलने के लिए तैयार किए जाने वाले पोर्टल की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं होने के कारण देरी हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। पूरे राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर भी जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को तेज बारिश दर्ज की गई। अजमेर और टोंक में नदी नाले उफान पर है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। वैसे आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, सीकर, चूरू, नागौर और जोधपुर संभाग में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। और सबसे राहत की बात तो यह है, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के भी कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। हालांकि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं जहां पर बारिश का बेसब्री से इंतजार है। अब मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग के अनेक भागों में बारिश होने तथा कहीं कहीं पर अति भारी बारिश की संभावना है। और बड़ी बात तो यह है, आने वाले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी आंधी के साथ मेघ गर्जन और कहीं पर हल्की तो कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। और बड़ी बात यह है, जोधपुर संभाग के भी कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की संभावना है। लेकिन आपको बता दूं, पिछले साल की तुलना अभी भी जुलाई में बारिश कम हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो यह कमी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान पूरी हो सकती है। अच्छा, बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। असम में बाढ़ के चलते गुरुवार को 8 लोगों की मौत हो गई है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए एक और बड़ी खबर। बजाज ऑटो ने शुक्रवार 5 जुलाई को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की है। बाइक को चलाने के लिए 2 फ्यूल ऑप्शन यानी 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और 2 किलो का सीएनजी टैंक है। दोनों को एक बार फुल कराने पर 330 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। राइडर एक बटन में सीएनजी से पेट्रोल और पेट्रोल से सीएनजी पर स्विच कर सकता है। यानी कि आप जब चाहे इसे पेट्रोल से भी चला सकते हो और जब चाहे इसे सीएनजी से भी चला सकते हो। इसकी शुरुआती कीमत 95,000 से 1,10,000 के बीच है। बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है। हालांकि इस बाइक की डिलीवरी सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू होगी, बाकी राज्यों में अलग अलग फेज वाइज इसकी बुकिंग होगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।